बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को, एनसीड्स को। लेट्स हैव अ लुक। एनसीड्स आर अ ग्रुप ऑफ केमिकली डिससिमिलर एजेंट्स दैट डिफर इन देयर एंटी पायरेटिक, एनर्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटीज़। आई टोल्ड यू कि इनके ये तीन तरह के एक्शन हैं, एनर्जेसिक, एंटी पायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी। और इन तीनों जो एक्शंस हैं, इनमें भी बेसिकली डिफरेंस है यहाँ पर। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। दे एक्ट प्राइमरली बाई इनहिबिटिंग साइक्लो ऑक्सीजिनेज एनजाइम्स। प्रीवियस लेक्चर में मैंने तुम लोगों को बताया था कि एनसीड जो हैं वो बेसिकली साइक्लो ऑक्सीजिनेज एनजाइम को ब्लॉक करते हैं। और साइक्लो ऑक्सीजिनेज, अगर आपको याद हो, तो वो प्रोस्टानॉइड की सिंथेसिस का पहला स्टेप है, यानी फॉस्फोलाइपेज A2 से एरेकिडोनिक एसिड बनता है और एरेकिडोनिक एसिड पर फिर साइक्लो ऑक्सीजिनेज एक्ट करता है और वहाँ से फिर प्रोस्टानॉइड्स में ये सब आ जाता है, यानी प्रोस्टाग्लैंडिंस भी और थ्रोम्बोक्सिन भी। ठीक है, दिस लीड्स टू डिक्रीज्ड प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस विद बोथ बेनिफिशियल एज वेल एज अनवांटेड इफेक्ट्स। तुम लोगों ने अब देख लिया होगा कि प्रोस्टाग्लैंडिन के क्या थेरापूटिक यूजेज़ हैं और उनके क्या एक्शंस हैं। तो जाहिर है कि अगर आप कॉक्स को ब्लॉक कर रहे हो, इफ़ यू आर गोइंग टू ब्लॉक द कॉक्स, इट मीन्स यू आर ब्लॉकिंग प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। एंड इफ़ यू आर ब्लॉकिंग द प्रोस्टाग्लैंडिन्स, सो द एक्शंस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन विल बी डेफिनेटली ब्लॉक्ड, वेदर दे आर बेनिफिशियल और वेदर दे आर एडवर्स, ना दोनों तरह के ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, सो डिफरेंसेस इन सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ एनसीड मे बी एक्सप्लेन बाय रिलेटिव सिलेक्टिविटी फॉर कॉक्स वन एंड कॉक्स टू एंजाइम। इनहिबिशन ऑफ कॉक्स टू इज थॉट टू लीड टू द एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एनाल्जेसिक एक्शन ऑफ एनसीड, वाइल द इनहिबिशन ऑफ कॉक्स वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंशन ऑफ कार्डियोवेस्कुलर एंड मोस्ट एडवर्स इवेंट्स। ये ख्याल किया जाता है कॉक्स वन और कॉक्स टू के बारे में। ओके, अच्छा ये देखो, ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को जूम करके दिखाती हूँ। ये एक क्लासिफिकेशन है ट्राइपैथी में, ये बहुत अच्छी डीवी है जो फार्माकोलॉजी की इंडियन बुक है। आप ये देखिए कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी को आप क्लासिफाई कर सकते हो कॉक्स इनहिबिटर नॉन सिलेक्टिव में। फिर नॉन सिलेक्टिव में ये कैटेगरीज हैं, सैलिसाइलेट, एसिटिक एसिड डेरीवेटिव्स, पायराजोलोन डेरिवेटिव, प्रोपियोनोइक एसिड डेरिवेटिव, फेनामेट, इनोलिक एसिड डेरिवेटिव। और आगे इनकी एग्जांपल्स हैं, सैलिसाइलेट बहुत मशहूर ज़माना आया, स्प्रिन एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है, इंडोमेथासिन, नेब्यूमिटोन एंड कीटोरोलोक, इसमें ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन एंड फिनाइल ब्यूटाजोन, कीटोप्रोफिन, फ्लर्बीप्रोफिन, आइबोप्रोफिन, नेप्रोक्सिन, मेफेनेमिक एसिड, पायरोक्सिकैम एंड टीनोक्सिकैम। दूसरी तरफ अगर आप प्रिफ्रेंशियल कॉक्स टू इनहिबिटर्स को देखें, देखो कॉक्स टू इनहिबिटर्स को अब दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, प्रिफ्रेंशियल और सिलेक्टिव। प्रिफ्रेंशियल वो हैं जिनका एडवर्स इफेक्ट कम है और कंपैरेटिवली एडवांटेजेस ज़्यादा हैं। हैं तो ये भी सिलेक्टिव कॉक्स टू, यानी इनका कोई इफेक्ट कॉक्स वन पे नहीं है, लेकिन जो बाकी सिलेक्टिव कॉक्स टू है ना, जैसे सेलिकॉक्सिब है या इटोरिकॉक्सिब है या पेरिकॉक्सिब है, इसके मुकाबले में निम्सोलिड और डिक्लोफेनिक सोडियम या ये मिलोक्सिकैम, इटोडोट, इटोरोलेक वगैरह, इन सब के एडवर्स इफेक्ट कम हैं। और एक और कैटेगरी हमारे पास आती है, एनर्जेसिक एंटीपायरेटिक ड्रग्स बट पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन। जैसे मैंने बताया था कि एसिटामिनोफेन जो है, पेनाडोल या पैरासिटामोल, आप देखें उसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी तो बहुत ही पुअर है, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक है और ये पेन किलर है और स्ट्रॉन्ग एंटी पायरेटिक भी है, फीवर में भी यूज़ होता है ना। तो इसमें पैरासीटामोल, एसिटामिनोफेन, मेटामिजोल और प्रोपीफेनाजोन और नीफोपैम वगैरह शामिल हैं। ठीक है, और ये नीचे अगर आप इनके की पॉइंट्स पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कॉक्स वन कॉन्स्टिट्यूटिव है और कॉक्स टू इंड्यूसिबल है, उनके बारे में यहाँ पर एरो से बताया गया। इट्स अ वेरी ब्रिलियंट क्लासिफिकेशन ऑफ एनसीड्स, सो आई कॉपी इट फॉर यू हेयर। और ये अगर हम देखें, हम कहाँ से कंटिन्यू कर रहे थे, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, ये आप क्लासिफिकेशन याद कर लीजिए। और एस्प्रिन जो है वो इस क्लास की प्रोटोटाइप है,
वट इज प्रोटोटाइप? प्रोटोटाइप ड्रग वो होती है जो उस क्लास की रिप्रेजेंटेटिव ड्रग होती है, और उससे हम बेसिकली सबको कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है? सो प्रोटोटाइप इज द रिप्रेजेंटेटिव क्लास, रिप्रेजेंटेटिव ड्रग ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास. तो हम एस्प्रिन को डिटेल में डिस्कस करेंगे और बाकी को फिर उसके साथ कंपेयर कर लेंगे, ठीक है? सो एस्प्रिन इज अ ट्रेडिशनल एनसीड, बट इट एग्जिबिट एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी ओनली एट रिलेटिवली हाई डोजेस दैट आर रेयरली यूज. इट हैज गेन मच मोर यूजेज एट लोअर डोजेज फॉर प्रिवेंशन ऑफ कार्डियोवेस्कुलर इवेंट्स सच एज ए स्ट्रोक एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है? आपको मालूम है कि एस्प्रिन जो है ये हार्ट के डिफरेंट इवेंट्स में भी बहुत सक्सेसफुली यूज़ होती है. और आप वहाँ देखें जैसे लोप्रिन है, लोप्रिन अवेलेबल है 75 मिलीग्राम की डोज में, उस वक्त ये एंटी प्लेटलेट के तौर पर काम करती है और हार्ट पे या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या इस तरह के जो क्लॉटिंग इश्यूज़ होते हैं हार्ट के पेशेंट्स को इनको रखा जाता है, लेकिन वो लो डोज के ऊपर है. लेकिन आप देखें कि जो इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, जो डिस्प्रिन की टैबलेट्स आ रही होती हैं, वो होती हैं 300 मिलीग्राम की. तो हाई डोज के ऊपर, वही बात यहाँ बता रहे हैं कि हाई डोज के ऊपर ये एनल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी पायरेटिक है, लेकिन लो डोज के ऊपर ये अपना एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन नहीं देती है, ठीक है? अगर किसी के सर में दर्द है, हेडेक हो रहा है उसको, तो आप क्या करेंगे? 75 मिलीग्राम की तो एस्प्रिन नहीं देंगे ना. जो डिस्प्रिन आपके पास 300 मिलीग्राम में अवेलेबल होती है, हम वो देते हैं. लेकिन आप देखें कि जो हार्ट पेशेंट होते हैं, वो बहुत लॉन्ग टाइम तक 75 मिलीग्राम यानी जो लो डोजेज होती हैं उसके ऊपर उनको रखा जाता है. और एक और ख़ास बात मैं यहाँ ये बताऊँ तुम लोगों को एस्प्रिन के हवाले से, कि एस्प्रिन जो कि एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है, ये तमाम एनसेड में वो वाहिद ड्रग है जो कि इरिवर्सिबल इनहिबिटर है कॉक्स की, ठीक है? ख़ास बात क्या है कि ये देखो, ये इरिवर्सिबल इनहिबिटर है साइक्लोऑक्सीजिनेज की. यानी इरिवर्सिबल का मतलब ये है कि वंस इट बाइंड्स विद द साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम, देन इट विल नेवर लीव दैट एंजाइम. एक दफ़ा अगर ये उसको पकड़ लेगी, फिर ये उसको नहीं छोड़ेगी अनटिल एंड अनलेस नया कॉक्स, नया साइक्लोऑक्सीजिनेज सिंथेसाइज हो, तो वो फिर अपना एक्शन देगा. लेकिन अगर तुम लोग बाकी एनसेड्स को देखोगे तो वो इरिवर्सिबल नहीं है, बल्कि वो रिवर्सिबल इनहिबिटर है. यानी वो कुछ टाइम तक या कुछ देर तक साइक्लोऑक्सीजिनेज या कॉक्स से बाइंड कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो उसको छोड़ भी देते हैं, रिलीज भी कर देते हैं एंजाइम को, ठीक है? और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये एक वीक ऑर्गेनिक एसिड है जो कि इरिवर्सिबली, मैंने बताया, एसिटाइलेट कर देती है किसको? साइक्लोऑक्सीजिनेज को, यानी एक तरह से उसको इनएक्टिवेट कर देती है. अच्छा, यहाँ मैंने तुम लोगों को एक फिगर शो करनी है जो मैं अभी करती हूँ, ठीक है? थोड़ा सा मैं ये आप लोगों को आगे बता दूँ, फिर मैं ये फिगर शेयर करती हूँ कि दूसरे जो एनसेड्स हैं, वही वाली बात जो मैंने आपको बताया कि वो रिवर्सिबल इनहिबिटर हैं, और एस्प्रिन जो हैं या जितने भी एनसेड हैं उनकी ये तीन तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं. एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं वो, एनल्जेसिक हैं, एंटी पायरेटिक हैं, और ज़रूरी नहीं है कि तमाम के तमाम एनसेड्स जो हैं वो इक्वली इफ़ेक्टिव भी हों. इनका इफ़ेक्ट अलग अलग भी है. हो सकता है कि एक बहुत पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन दे रहा हो, दूसरा उसके मुकाबले में कम दे रहा हो, ठीक है? और इस तरह करते हैं कि अब इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस को देख लेते हैं. ये तीन तरह के एक्शंस हैं, और ये किस तरीके से अपना ये तीनों एक्शंस देते हैं, इन चीज़ों को देखने के लिए हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है? और उससे पहले मैं तुम लोगों को ये फिगर शो कर देती हूँ. अब मैं आप लोगों को फिगर दिखाती हूँ. ये देखो बच्चों, ये मैंने लिपिनकॉट से लिए ये पिक्चर. ये देखिए कि ये इसका एसिटाइल ग्रुप है यहाँ पर, ये देखो, और ये ट्रांसफ़र हो जाता है साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को. ये साइक्लोऑक्सीजिनेज इस वक्त एक्टिव है, और ये एस्प्रिन है, ये एस्प्रिन का स्ट्रक्चर है. तो एस्प्रिन इरिवर्सिबली इस कॉक्स को एसिटाइलेट कर देती है, अपना एसिटाइल ग्रुप इसको ट्रांसफ़र करके इस एंजाइम को, ये एसिटाइल, क्योंकि एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है, खुद ये सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी, और अपना जो एसिटेट है ग्रुप, एसिटेट ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप, वो यहाँ ट्रांसफ़र करके इस कॉक्स को इनएक्टिव कर देगी, ठीक है? और यही वाली फिगर मैंने तुम लोगों को यहाँ पर शो करनी थी. अब हम लेक्चर की तरफ वापस चलते हैं.
ठीक है बच्चों, ये देख लिया। अब देखते हैं कि एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन एस्प्रिन का या एनसीएट्स का कैसे है। साइक्लोऑक्सीजिनेज इनहिबिशन डिमिनिश द फॉर्मेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एंड दस मॉड्यूलेट द एस्पेक्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन इन विच प्रोस्टाग्लैंडिन एक्ट एज ए मीडिएटर। ठीक है, एनसीएट इनहिबिट इन्फ्लेमेशन इन आर्थराइटिस बट दे नीदर अरेस्ट द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज नॉर इंड्यूस द रिमिशन। मैंने बताया कि ये सिर्फ इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह की कंडीशन में, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये उस डिजीज़ को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्शन एनर्जेसिक एक्शन कैसे है। PGE2 डिफरेंट प्रोस्टाग्लैंडिन बन रहे होते हैं और PGE2 बेसिकली सेंसिटाइज करता है नर्व एंडिंग्स को टू द एक्शन ऑफ ब्रेडिकाइनिन हिस्टामिन एंड अदर केमिकल मीडिएटर रिलीज लोकली बाय द इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस। ठीक है, लेकिन जब आपने एनसीएड दिया तो क्या होगा, PGE2 की सिंथेसिस कम हो जाएगी तो जो सेंसेशन ऑफ पेन है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एस कॉक्स टू इंड्यूसेबल होता है और ये एक्सप्रेस होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फ्लेमेशन एज वेल एज इंजरी। इट इज़ थॉट के इस एंजाइम के इनहिबिशन एक्चुअली इनके एनसेड एक्शन एनसेड का जो एनर्जेसिक एक्शन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये माइल्ड टू मॉडरेट पेन के लिए यूज़ होते हैं और बहुत जो सिवियर पेन होते हैं उसमें फिर हम ओपियोइड एनर्जेसिक देते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं। ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है और वो कीटोरोलैक है। कीटोरोलैक जो है डेट कैन बी यूज फॉर सिवियर पेन बट ओनली फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि एंटी पायरेटिक एक्शन कैसे होगा। एंटी पायरेटिक एक्शन में यानी अगेंस्ट द फीवर, फीवर उस वक्त होता है जब सेट पॉइंट जो है हाइपोथैलेमस में जो रेगुलेटरी सेंटर है वो बढ़ जाए ना, और ये काम कर रहा होता है PGE2। जब आप एनसेड दे रहे हो इट मीन्स कि आप कॉक्स को ब्लॉक कर रहे हो, इट मीन्स कि आप PGE2 को ब्लॉक कर रहे हो, तो PGE2 जब ब्लॉक होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि फीवर भी कम हो जाएगा। ठीक है, व्हेन एंडोजेनस फीवर प्रोड्यूसिंग एजेंट पायरोजेन सच अ साइटोकाइंस आर रिलीज्ड फ्रॉम WBCs दैट आर एक्टिवेटेड बाय इन्फेक्शन हाइपर सेंसिटिविटी मेलेग्नेंसी और इन्फ्लेमेशन एंड एनसीएड लोअर द बॉडी टेम्परेचर इन पेशेंट विद फीवर बाई इम्पीडिंग द PGE2 सिंथेसिस एंड रिलीज। क्योंकि PGE2 ये काम कर रहा होता है टेम्परेचर को बढ़ा रहा होता है नर्व एंडिंग्स से थर्मोरेगुलेटरी सेंटर को हाइपोथैलेमस में इंक्रीज कर रहा होता है, जब आप उसको ब्लॉक कर देंगे तो फिर फीवर भी कम हो जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर आप नॉर्मल पेशेंट्स को दें तो नॉर्मल पेशेंट्स में याद रखिएगा कि PGE2 जो है वो नॉर्मल पेशेंट्स के अंदर इसका टेम्परेचर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब तुम लोगों ने मुझे ये बताना है कि थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ एनसीड्स क्या हैं। ठीक है, ये आप लोग मुझे बताएंगे और आप लोग मुझे कमेंट्स में मेंशन कर दें चाहे तो, या जैसे आपको कन्वीनियंट हो, लेकिन आपने मुझे ये बताना है कि एनसीड्स के देखो जो एक्शंस होते हैं ना, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस होते हैं, वहीं से थेराप्यूटिक यूजेस भी बनते हैं। अब अगर मैं कह रही हूँ कि एनसीड्स जो हैं, फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि एंटी पायरेटिक एक्शन रखते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एनसीड्स का एक थेराप्यूटिक यूज तो एंटी पायरेटिक ही हुआ ना, अगेंस्ट द पायरेक्सिया। अगर ये एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं तो फिर इनका इन्फ्लेमेशन वाली डिजीज़ में। अब इस तरह से इनके एक्शंस की बेसिस के ऊपर आपने कोरिलेट करना है और मुझे थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ एनसीड्स बताने हैं। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला एडवर्स इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, प्लीज़ गो थ्रू इट एंड आंसर माय क्वेश्चन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।